बदनाम हुआ कुश्ती का अखाड़ा। निशा दहिया की मौत से हरियाणा में हड़कंप। कहां छिपा है निशा दहिया का गुनहगार? कोच पवन पर 1,00,000 के इनाम का ऐलान। कुश्ती का अखाड़ा एक बार फिर बदनाम हुआ है। सोनीपत में रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। लोगों में गुस्सा है और हैरानी भी कि आखिर कुश्ती का अखाड़ा मौत का अखाड़ा कैसे बन गया। पुलिस पर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में पवन की पत्नी सुजाता और साले अमित को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। कोच पवन और सचिन की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की 4 टीमें गठित की गई हैं। दोनों को पकड़वाने पर 1,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। बाकायदा दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। हाँ, इनाम की जो प्रक्रिया मैंने बता दी, 1,00,000 की कर दी गई है। और कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है। देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। कुछ एक दो लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है। देखो, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकता। कितनी टीमें बनाई गई हैं? 4 टीमें बनाई। पोस्टमार्टम में पता चला है कि कोच पवन ने निशा दहिया को 4 गोलियां और उसके भाई सूरज को 3 गोलियां मारी। पोस्टमार्टम के बाद निशा दहिया और उसके भाई सूरज के शव सोनीपत पुलिस और CRPF की टुकड़ी ने हलालपुर गांव तक पहुंचाए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इतना गुस्सा है लोगों में कि जब ये पंचायत हो रही थी, खुद जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिनको आपने सुना 1,00,000 रुपए का इनाम अभी अभी रखा है, जो मुख्य आरोपी है पवन, जो सुशील कुमार के नाम से बकायदा एकेडमी चला रहा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बकायदा पंचायत हुई है, जिसमें पुलिस के तमाम अधिकारी वो मौजूद थे। यहाँ पर पंचायत हुई थी और इसी पंचायत में बकायदा ये डिमांड भी हुई है कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। जूनियर रेसलर निशा दहिया हलालपुर गांव में स्थित सुशील कुमार एकेडमी में कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी। 10 नवंबर की दोपहर पवन ने निशा और उसके 18 साल के भाई सूरज को गोलियों से भून दिया। इतना ही नहीं, मां को भी निशाना बनाया गया, जिसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। होश में आने के बाद निशा की मां ने जो कुछ बताया वो वाकई दिल दहलाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है कि किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया? वजह की बात अभी क्लियर नहीं हुई है। हाँ, कंप्लेन में कहा गया है कि पवन छेड़छाड़ किया करता था, जो विक्टिम है, मृतक है जो उनके साथ, तो उस कारण से ही कुछ घटनाक्रम है। निशा के परिवार का आरोप है कि पवन निशा के साथ छेड़छाड़ करता था और इसका विरोध ही इस हत्याकांड की वजह बन गया। काफी दिन से परेशान भी कर रहा था इस लड़की को। परेशान किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसा मोलस्ट भी किया है, क्योंकि मेरे को पता चला है, यहीं आकर के पता चला है, मेरे को तो नहीं बताया, तो गलती इनकी है, मेरी मिसेज की है। मैं अपने लेवल पर करता ये बात है, कुछ न कुछ तो हमारा भी, हम भी जानते हैं भी कैसे इसको डील करना चाहिए। तो उसी बात को लेकर के उसने कई बार इनको कंप्लेंट भी किया था, मेरी मिसेज को भी किया था, लेकिन मेरे को नहीं बताया। सोनीपत के हलालपुर गांव में हुए इस डबल मर्डर से गांव वाले गुस्से में हैं। खाप पंचायत ने मांग की है कि एकेडमी में महिलाओं को रेसलिंग सिखाने के लिए महिला कोच होनी चाहिए। पवन राठी और अरविंद ओझा के साथ सोनीपत से ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।